शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। 5:30 बजे पहला रुझान, पहला आंकड़ा आपके सामने होगा सौराष्ट्र और कच्छ का। 12 जिले हैं सौराष्ट्र और कच्छ में, आपको बता दें 54 सीटों पर कौन सी पार्टी बारेगी बाजी, कौन किसके पाले में जाएगा अपने आप में है ये बड़ा सवाल। क्योंकि सौराष्ट्र में आपको ये बता दें कि पाटीदार और पानी है बड़ा मुद्दा, जबकि कच्छ के बारे में कहा जाता है जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन यहां पर पहला आंकड़ा आने में देखिए बेहद कम समय बाकी है, सिर्फ 1 मिनट और 13 सेकंड 12 सेकंड यानी कि 1 मिनट के तकरीबन ये वक्त जब पहला आंकड़ा एबीपी न्यूज रखेगा आपके सामने। तो अब आपका इंतजार करते हैं खत्म और सौराष्ट्र कच्छ के आंकड़े क्या कहते हैं जल्दी से जान लेते हैं नेहा से। चित्रा अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, हम अभी इलेक्शन वॉर रूम में मौजूद है, मेरे साथ राजीव करंदीकर जी मौजूद है, उनके चेहरे पर मुस्कान है वो इसीलिए क्योंकि सौराष्ट्र और कच्छ का जो नतीजा हमें आपको दिखाना है उसके आंकड़े उन्होंने तैयार कर लिए हैं। ये हमारा इलेक्शन वॉर रूम है, इसमें हम आपको वोट प्रतिशत बताएंगे, इसमें आपको हम हर रीजन का सीट्स बताएंगे और फिर हम आपको मायने भी बताएंगे और वोट प्रतिशत और जो मायने हैं वो हम राजीव करंदीकर जी से समझेंगे। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ के जिलों को जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं चित्रा के पास, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है यहाँ पर इंतजार का। तो जल्दी से सौराष्ट्र और कच्छ के जिले अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। ये देखिए 12 कुल जिले हैं सौराष्ट्र और कच्छ में, कच्छ सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गीर सोमनाथ और बोटाद, ये वो सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिले हैं। और 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं, पहला आंकड़ा नेहा, पहला आंकड़ा क्या कहता है सौराष्ट्र और कच्छ का? शाम के 5:30 बज गए हैं, गुजरात के एग्जिट पोल का फर्स्ट कट लेकर हाजिर है हम। आइए सौराष्ट्र कच्छ की बात करते हैं, ये हमारा इलेक्शन वॉर रूम है और इस इलेक्शन वॉर रूम से अब हम ऊपर जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। जी हाँ, मेरे साथ राजीव करंदीकर जी और हमारी ये लिफ्ट ऊपर जाकर जब स्टूडियो पर रुकेगी तो सबसे पहले सौराष्ट्र कच्छ का वोट प्रतिशत हम आपके सामने रखेंगे। हम पहुंच गए हैं अपने स्टूडियो पे और सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों पर वोट प्रतिशत क्या कह रहा है, बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल की फर्स्ट कट आपके सामने। बीजेपी 49% वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी 41% वोट शेयर, अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा रहे हैं। राजीव करंदीकर जी, बीजेपी सौराष्ट्र कच्छ में 49% वोट प्रतिशत के साथ बाजी मार रही है एग्जिट पोल में। जी हाँ, एक हफ्ता पहले उनमें दोनों पार्टियों में अंतर सिर्फ 6% था, अब वो 8% हो गया है। तो इसका मतलब है कि आखिरी के दिनों में भी बीजेपी ने बढ़त ही हासिल की है। तो सौराष्ट्र कच्छ से वोट प्रतिशत के मामले में जैसा राजीव जी बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर आपके सामने, बीजेपी 49%, कांग्रेस पार्टी 41%। सीटों के मामले में देखिए आप बड़ी जानकारी, 31 से 37 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 16 से 22 सीटें 54 में से, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है, ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। राजीव करंदीकर जी, अब सीटों के गणित को समझाइए, 31 से 37 सीटें सौराष्ट्र कच्छ से बीजेपी को क्यों और कैसे आ रही है? देखिए, पहली बात तो जब दो पार्टियों में सीधा मुकाबला होता है और 8% का अंतर बहुत ज्यादा होता है, 8% के अंतर से करीब करीब सभी सीटें भी जीती जा सकती हैं कहीं और राज्यों में, लेकिन यहां पर कांग्रेस के कुछ सीटों पर उनका स्ट्रांग प्रेजेंस है, इसके कारण उन्हें 16 से 22 मिलने की उम्मीद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है, एक औसत नंबर अब हम आपको सीट का बताते हैं ताकि आप आंकड़ों में और ना उलझे, बड़ा स्पष्ट 34 सीटें 54 में से 34 सीटें बीजेपी के खाते में सौराष्ट्र कच्छ इलाके से जाती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को भारी बढ़त राजीव करंदीकर जी मिलती दिखाई दे रही है, कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 54 में से 34 ने भारी बढ़त, यस बहुत भारी बढ़त है ये हमने आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। सौराष्ट्र कच्छ में एग्जिट पोल, गुजरात एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा और 34 सीटों के साथ बीजेपी भारी बढ़त सौराष्ट्र कच्छ में बनाए हुए। चलिए अब हम जरा इस तस्वीर को पलट के इसके मायने जानते हैं। जी हाँ, मायने जानते हैं, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है, ये साफ हो गया है। सौराष्ट्र कच्छ का एग्जिट पोल का रिजल्ट हमारा बता रहा है हार्दिक फैक्टर से बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लिए बुरी खबर, हार्दिक के लिए बुरी खबर, सौराष्ट्र कच्छ में डेंट नहीं हो पा रहा है बीजेपी का वोट, 2012 की तुलना में 1 सीट का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ध्यान दीजिए इस पर, सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 1 सीट का बीजेपी को नुकसान, यानी कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं, कांग्रेस को बाकायदा 2012 के मुकाबले 3 सीट का सिर्फ फायदा हो रहा है, सिर्फ 3 सीट का फायदा, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान। जल्दी से राजीव करंदीकर जी, इस मायने को कैसे देखें, इतना कुछ करने के बाद सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई? इसका एक मतलब तो यही है कि जो चुनाव की सभाओं में जो लोग जमा होते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि वो आपको ही वोट दे, क्योंकि हार्दिक की सभाओं में बहुत लोग देखे गए थे और
हो सकता है उन्होंने वोट ना दिया हो या जाके बीजेपी को वोट दिया हो। चलिए ये आपका एनालिसिस था चित्रा। बड़ी खबर इस वक्त इलेक्शन वॉर रूम से, सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले भारी बढ़त, 54 में से 34 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान। बिल्कुल सही कहा है आपने, यहाँ पर 15 सीटें ज्यादा मिल रही है सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में बीजेपी को, यानी कि सौराष्ट्र और कच्छ से जो पहला पिटारा खुला है उसने बीजेपी की कर दी है बल्ले बल्ले। तमाम बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपसे 15 सीटें ज्यादा मिलती हुई और 8% जो वोट परसेंटेज है उसका ये अंतर किस तरह से देखा जाए नागरों को? देखिए इसका सीधा सा मतलब यह है चित्रा कि मोदी का जो तिलस्म है, मोदी का करिश्मा है और गुजराती अस्मिता और जीएसटी या नोटबंदी जैसे मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से बढ़ाए गए, पटेल आंदोलन, हार्दिक को जो आगे किया गया, कोई क्रेडिबल चेहरा ना होना, कांग्रेस उस गुस्से को या असंतोष को वो भुना नहीं सकी, भुना नहीं पाई है। बिल्कुल यहाँ पर हार्दिक के रोड शो या उनके चुनावी रैली में जितनी भीड़ उमड़ी थी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोई फायदा कर पाई है कांग्रेस। यदि एग्जिट पोल के फिगर सही माने और ऐसे ही यदि नतीजे उतरते हैं तो फिर यही मानना पड़ेगा कि पटेल, जो हार्दिक पटेल का इम्पैक्ट मात्र भीड़ तक रहा और जो लोग मोदी के सभा से उठ उठ के जा रहे थे वो मोदी के अस्मिता के अपील पे वापस आ गए। बिल्कुल सही कहा, यानी कि मोदी मैजिक एक बार फिर से यहाँ पर आता हुआ। कंचनदा आपसे मैं जानना चाहूंगी, बड़ी बढ़त यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में बीजेपी को। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बोला कि 120 प्लस, तो उस हिसाब को अगर आप देखें, टेलीस्कोप करें तो कच्छ सौराष्ट्र की जो रिजल्ट्स आ रही हैं वो उसी हिसाब को, मतलब यही ट्रेंड आगे भी रहेगा आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। क्या ऐसा है आगे भी रहेगा? आप तो बहुत खुश होंगे राकेश सिन्हा जी, मतलब सौराष्ट्र और कच्छ में पिटारा खुलते ही बीजेपी के बल्ले बल्ले हो। देखिए जो लोग सौराष्ट्र में कह रहे थे कि बहुत क्रोध है, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी नीलकंठ की तरह उस क्रोध को, उस गुस्से को पी गए और पूरे गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह बीजेपी बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ 131 सीट से बीजेपी को कम नहीं आने वाली। देखिए मंदिर मंदिर जाते हुए नीलकंठ ही बन गए मोदी जी, और जैसा कि कह रहे हैं राकेश जी कि उन्होंने सारे क्रोध को पी लिया और इस वजह से रिजल्ट इस तरह का सौराष्ट्र कच्छ का सामने। मुझे लगता है चित्रा कि लोग नाराज जो भी रहे, जैसे इन्होंने कहा कि लोग नाराज है और वो नीलकंठ बन गए, लेकिन मुझे लगता है कि लोग नाराजगी के बावजूद कांग्रेस को अगर ये आंकड़े को सच माने तो विकल्प नहीं मान रहे हैं अगर ये आंकड़े हैं तो। अब सवाल ये है कि 22 सालों के बाद भी क्या गुजरात की जनता विकल्प नहीं मान रही है कांग्रेस की पार्टी को, जिसने इतने दमखम के साथ चुनाव लड़ा था? ये तो अपने आप में कुछ और ही दर्शाता है अरविंद जी। हाँ जी, मैंने पहले भी मेरे बयान में आपको बताया था कि यहाँ जो सौराष्ट्र कच्छ का जो फैक्टर है उसमें जो हार्दिक का जो बता रहे हैं वो उसमें बहुत नहीं उसका इफेक्ट हो रहा है। मैंने भी बोला था कि मेरे जो बयान में कि 2 या 3 सीट की इसको कटौती होगी, तो जो आपके एग्जिट पोल है वो करीब करीब सही मिल रहे हैं। बिल्कुल, और अब हम चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सीएसडीएस का ये एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के आंकड़े सामने आ चुके हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से, गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी सीधे डबल के आसपास यहां पर ठहरती हुई सौराष्ट्र कच्छ में दिखाई दे रही है। नहीं, आपका क्या साइंटिफिक मेथड है उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन जो कुछ आप सौराष्ट्र कक्ष को लेकर दिखा रहे हैं जी, उसको हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ये हमारे अनुमान, उस इलाके में हमारे कैंपेन, लोगों का समर्थन और जो हमारी चुनाव लड़ने की रणनीति थी वो इससे मेल नहीं खाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह मानना है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो आप दिखा रहे हैं यह परिणाम में नहीं आएगा। चलिए आपसे उम्मीद भी इसी तरह की और इस रीजन में भी बिल्कुल, अगर ये आंकड़े आपको सूट करते तो शायद आपका बयान कुछ और होता। गौरव भाटिया, बहुत ही पॉजिटिव, बिल्कुल समझ गए सर मैं आपकी बात। गौरव, सौराष्ट्र और कच्छ के ये आंकड़े देखकर खुश तो बहुत होंगे आप, 34 सीटें बीजेपी को? नहीं, खुश हम लोग जरूर हैं और आपके आंकड़ों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे जो सीटें आएंगी वो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं उससे बेहतर आएंगी। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में हमेशा से मेहनत करके विकास का एक मॉडल दिया है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा नेता है जो किसी और पार्टी के पास नहीं है। अमित शाह जी ने प्रबंधन वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट किया,
हर बूथ पे हमारे लोग कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे और हमें पूरा यकीन है कि जैसे कांग्रेस दूसरे लीडर की सवारी कर रही थी, हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश अपना कोई लीडर नहीं था, लेकिन हम लोग अपने संगठन और अपने नेताओं की उसपे चुनाव मोदी जी जो सोचते हैं अमित शाह उसे कर डालते हैं। कुछ इसी अंदाज में गौरव भाटिया बोल रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है, आप दूसरों के सहारे अपनी नाव को पार लगा रहे थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है सौराष्ट्र और कच्छ में। प्रेमचंद्र जी, नहीं नहीं, ये इनके इनकी बातों को मैं नहीं स्वीकारता। ये अगर हमने कुछ नया सामाजिक समीकरण को अपने साथ जोड़ा, वो इक्वेशन था जो बीजेपी के शासन से प्रताड़ित था, चाहे वहाँ का हमारा पाटीदार समाज हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, आदिवासी समुदाय के लोग हो, उत्तर प्रदेश में भी जोड़ा था, इन लोगों को सात सीटें पे रह गई थी कांग्रेस, न्याय नहीं मिला, बल्कि उनको और आरक्षण का फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत पुलिस दमन हुआ। सुनिए ना, दिक्कत बीजेपी वाले, आप भी मेरी बात सुनिए ना, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, आपने पाटीदार समाज को कैसे धोखे में रखा और उनको ये तक नहीं बताया कि वो आरक्षण का कौन सा फॉर्मूला है जो सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग के बावजूद आप उनको आरक्षण देने के वादे करते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि हार्दिक पटेल को आपने काफी अपनी बात रखेंगे तो शायद हमारे दर्शक आप दोनों को बेहतर सुन पाएंगे। विजय विद्रोही कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रधानमंत्री की सभा में, प्रेमचंद जी मेरा, नेहा जी चित्रा हूँ, प्रेमचंद्र जी मैं आपसे निवेदन करूंगी, विजय विद्रोही एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल सुनिए उसका जवाब चाहूंगी मैं आपसे। प्रेमचंद जी, सौराष्ट्र में किसान ज्यादा हैं, किसान परेशान भी थे और आपके चुनाव मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, इसके बावजूद आप किसानों का दिल क्यों नहीं जीत पाए? बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम भी 10 रुपए कम करने वाले थे आप लोग, कैसे करेंगे जब सरकार ही नहीं बनेगी? विजय विद्रोही जी, क्या यह रिजल्ट है? क्या हम और आप इसे रिजल्ट मान के क्यों चल रहे हैं? ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते और कई बार गलत भी हुआ है, तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें 18 तारीख का इंतजार करना चाहिए। हमें जो रिस्पांस मिला था कंपेनिंग में राहुल जी के समय और जो हमने सोशल इक्वेशन वहां इकट्ठा किए थे, बनाए थे, वो इक्वेशन से ये एग्जिट पोल मेल नहीं खाता, मैं कह रहा हूँ। चित्रा जवाब देंगे, हम ये नहीं करेंगे 150 या 200 सीट जीतेंगे, आप अभी थोड़े इंतजार के मूड में हैं, ठीक है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया यहाँ पर हार मानने की स्थिति में नहीं है, इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया से मैं लूंगी, लेकिन आपको बता दें एबीपी न्यूज एग्जिट पोल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया, ट्विटर पर, और ये देखिए हम आपको सोशल मीडिया का जो हमारे ये बेहद खास वॉल है वहां पर लेकर आए हैं और इंडिया ट्रेंड्स में सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर से अगर आप नजर डालेंगे तो तीसरे नंबर पर एबीपी एग्जिट पोल इस वक्त ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हो, जो भी बातें हो, आप अपनी बातें रख सकते हैं, आपकी बातों को एबीपी न्यूज की ओर से रिट्वीट किया जाएगा। ये हमारा वॉल जो कि सोशल मीडिया के लिए है, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम दर्शकों की राय भी हम दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं ट्विटर पर इस वक्त #ABPExitPoll इस वक्त ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप भी अपनी राय हमें जरूर दें। और यहां पर गौरव भाटिया, प्रेमचंद्र जी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका ये कहना है कि जब 18 तारीख को नतीजे आएंगे वो कुछ और ही कहेंगे। देखिए, एक बात जरूर है, आपने कहा थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैं बता दूं 22 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए, अभी कम से कम 10-15 साल कांग्रेस को और इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस की बौखलाहट आप देखिए, विकास को तो इन्होंने पागल बुलाया लेकिन धर्म के नाम पे राहुल गांधी जी 25 मंदिर हुआ है, जनेऊ दिखा दिया, जात के नाम पे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नीच बुलाया, आरक्षण की बात कर डाली जो संविधान इजाजत नहीं देता कि 50% से ऊपर जो है आप आरक्षण दें। और उस विकास को पागल कहा, ये दोनों कांग्रेस नहीं चले थी गुजरात, एक एक करके हम अपनी बात ठीक है। गौरव आपकी बात पूरी हुई, प्रेमचंद्र मिश्रा जी ये जनेऊ दिखाना भी सौराष्ट्र कच्छ में काम नहीं आया राहुल गांधी का, कौन सा विकास? देखिए प्रधानमंत्री जी मशरूम खाते हैं। गौरव जवाब सुनिए प्रेमचंद्र मिश्रा का, प्रतीक्षा करिए, इनका विकास जो है, नहीं 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 सुनिए, हमारा जो विकास मॉडल है वो गुजरात मॉडल को आप मानते हैं? कभी आपने किसी कार्यक्रम में आके ये कहा
कि अमेठी मॉडल विकास का क्या है, वो है रायबरेली का विकास मॉडल क्या है बताइए, वो है कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही केंद्र सरकार में रायबरेली और अमेठी तक का तो आप भला नहीं कर पाए, आप क्या गुजरात की जनता का विश्वास। चलिए एक दूसरे को बोलने नहीं देने की कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी रहेंगी, बहुत समय है आप दोनों के पास, दोबारा मैं लौटूंगी और उसके बाद आप दोनों की प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन आपको बता दें सौराष्ट्र और कच्छ में यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिण गुजरात का आंकड़ा क्या कहता है जल्दी से जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधे वॉर रूम का। नेहा, दक्षिण गुजरात की 35 सीटें राउंड टू में कौन किससे आगे इलेक्शन वॉर रूम में मौजूद है, मेरे साथ राजीव करंदीकर जी मौजूद हैं। और आइए सौराष्ट्र कच्छ का आंकड़ा आपने देखा जहां बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन अब जिलों के लिए हम जल्दी से एक बार चलते हैं चित्रा के पास और उसके बाद वापस लौटेंगे इलेक्शन वॉर रूम। चित्रा, दक्षिण गुजरात में और जल्दी से वो जिले हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को जो काफी ज्यादा अहम भूमिका इस बार के चुनाव में निभाने जा रहे हैं, और दक्षिण गुजरात के आंकड़े आएंगे तो तस्वीर साफ होने लगेगी गुजरात की। ये देखिए गुजरात हिमाचल का आप देख रहे हैं एग्जिट पोल। सबसे पहले हमने बात की थी सौराष्ट्र कच्छ की, गुजरात दक्षिण गुजरात के ये जिले भरूच, नर्मदा, सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड, तापी। सूरत में तो 12 की 12 पूरी की पूरी सीटें ही बीजेपी लेकर गई थी 2012 में, लेकिन इस बार आंकड़ा क्या बदलेगा सीधे रुख कर लेते हैं वॉर रूम का। नेहा, इलेक्शन वॉर रूम में अब वक्त आ गया है आपको दक्षिण गुजरात के एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर दिखाने का। इलेक्शन वॉर रूम में हम मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको अब राजीव करंदीकर जी ये बताएंगे कि वोट प्रतिशत कितना है, तो चलिए इलेक्शन वॉर रूम से हम सीधे रुख करते हैं अपने स्टूडियो का। और सबसे पहले बीजेपी का कितना वोट, कांग्रेस का कितना वोट, ये हम आपको बताएंगे। दक्षिण गुजरात की 35 सीटें राउंड टू में कौन किस पर भारी पड़ता है, कांग्रेस क्या पुराना ग्राउंड कवर कर पाएगी, देखिए बड़ी तस्वीर आपके सामने। यहां पर 52% बीजेपी को वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर आने के खाते में 8%, यानी कि वोट प्रतिशत के मामले में राजीव करंदीकर जी दक्षिण गुजरात में बीजेपी बहुत आगे 12-50 से ऊपर किसी को भी मिलना इसका मतलब तो पूरा स्वीप हो गया वहां पर। कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 40% होते हुए भी नहीं। अगर चतुष्कोणी मुकाबला जहां होता है वहां 40% बहुत होता है, क्योंकि पर यहां क्योंकि सीधी टक्कर है 40% होके भी ज्यादा कुछ हाथ में आने की उम्मीद नहीं है। वोट प्रतिशत को ध्यान से देख लीजिए आप, 12% का अंतर, बीजेपी को 52% वोट शेयर दक्षिण गुजरात में, कांग्रेस को 40% वोट शेयर। अब इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए हम आपको सीटों का हाल बताएंगे, दक्षिण गुजरात में किसके खाते में कितनी सीटें, बड़ी तस्वीर आपके सामने, 21 से 27 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान, 35 में से कांग्रेस पार्टी सिर्फ 9 से 13 सीटों पर एग्जिट पोल के मुताबिक सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट आती हुई। राजीव करंदीकर जी, 27 सीटों तक बीजेपी जा रही है 35 में से दक्षिण गुजरात में। जी हाँ, जब 52% तक वोट चला गया है 50 से ऊपर तब 35 में से 35 भी जा सकती है, पर यहां पर भी कांग्रेस के कुछ स्ट्रांग सीट्स हैं जिसके कारण उनको 10 से 12 सीट मिलने की या 9 से 13 मिलने की उम्मीद है। औसत पे हम नजर डाल लेते हैं, 21 से 27 सीट मतलब कितना औसत बीजेपी का, देखिए 24 सीटें 35 में से बीजेपी को मिलने का अनुमान, 11 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 35 में से मिलती दिखाई दे रही हैं, और औसत में अन्य कहीं नहीं है, लेकिन बीजेपी तो बहुत कड़ी टक्कर देते हुए निकल गई आगे, कांग्रेस क्या कर रही है, दक्षिण गुजरात में भी पिछड़ गई कांग्रेस। जी हाँ, ये इस इलाके में आदिवासियों का काफी प्रभाव है, और एक कांग्रेस को उम्मीद थी कि आदिवासी फिर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे जो लोकसभा के वक्त वो बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन इस नतीजे से तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, आदिवासी भी कांग्रेस के काम नहीं आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे और अब हम आपको मायने भी समझाएंगे इलेक्शन वॉर रूम जाकर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर राउंड टू दक्षिण गुजरात, बीजेपी को बढ़त एक बार फिर से, सौराष्ट्र कच्छ के बाद बीजेपी ने राउंड टू में भी बाजी मारी, दक्षिण गुजरात में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 52%, 24 सीटें 35 में से मिलने का अनुमान, क्या मायने इसके लिए ये हम आइए आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद न्यूज रूम लेकर चलेंगे बड़ी चर्चा के लिए। मायने आइए देख लीजिए, राउंड टू दक्षिण गुजरात, माइनस सीधा ये कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को राउंड टू दक्षिण गुजरात में भारी बढ़त है, 12% वोट शेयर ज्यादा 2012 की तुलना में, बीजेपी को 4 सीट का हालांकि घाटा जरूर हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा घाटा नहीं कि कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचा है, कांग्रेस को 2012 के मुकाबले सिर्फ 5 सीट का फायदा हो रहा है, लेकिन सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस की ज्यादा काम नहीं आई। सूरत में व्यापारियों की नाराजगी का बीजेपी पर असर दिख रहा है, जो 4 सीटें वो गंवा रही है और बीजेपी और कांग्रेस 5 सीटें फायदे में ले रही है, लेकिन राजीव करंदीकर जी ये इतना बड़ा फायदा नहीं है कि बीजेपी उससे कुछ ले सके। जी हाँ, तो थोड़ा तो नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी 52% के साथ 24 सीट जो है
वो फिर भी उसको भारी जीत ही मानी जाएगी। इलेक्शन वॉर रूम से चित्रा, इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण गुजरात में 52% वोट शेयर के साथ 24 सीटें लेती नजर आ रही है बीजेपी। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। और सूरत जिसका जिक्र कर रही थी नेहा, आपको बता दें कि सूरत में ही ये नारा लगा था, कमल का फूल हमारी भूल। लेकिन ऐसा लग रहा है नाराजगी के बावजूद भी मोदी के चेहरे के साथ लोग वहां पर गए हैं। सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण गुजरात में बीजेपी को भारी बढ़त, दक्षिण गुजरात में भी शानदार प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करती हुई। तमाम खास मेहमान हमारे साथ। और ये देखिए एबीपी एग्जिट पोल इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। नंबर वन पर एक बार चलते हैं अपने सोशल मीडिया के वॉल पर। आप देखिए इंडिया ट्रेंड्स में नंबर 1 हैशटैग एबीपी एग्जिट पोल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बाकी बेहद नीचे हैशटैग एबीपी एग्जिट पोल। आप भी अपनी राय हमें जरूर दें और आपकी राय को एबीपी न्यूज करेगा रिट्वीट। हमारे साथ यहां पर जो खास मेहमान मौजूद हैं, उम्मीद की जा रही थी विपक्ष बड़ा उलटफेर करेगा, लेकिन यहां पर मोदी के सामने कोई भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी पे जो उम्मीद बीजेपी और बाकी लोगों ने लगाई थी, मुझे लगता है वो उन्होंने सही साबित किया है। आखिरी दौर के कैंपेनिंग ने फर्क डाला है, जो हमारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के गैप को बता रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो मेरे ख्याल से मोदी अकेले दम पे जिता ले जाएंगे। मोदी अकेले दम पर जिता रहे हैं ऐसा लग रहा है, और आंकड़े भी कुछ उसी दिशा में संकेत करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात में सामाजिक और आर्थिक असंतोष काफी था और बहुत दिनों से खतबदा रहा था, लेकिन इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो अभी भी है और विपक्ष मोदी के सामने अपनी कोई भी दावेदारी मजबूती से पेश नहीं कर पाया है। बिल्कुल, आप तो फिर बहुत खुश होंगे, मतलब सौराष्ट्र कच्छ से भी अच्छी खबर, दक्षिण गुजरात से भी अच्छी। देखिए वास्तव में वहाँ संगठन, विचारधारा और व्यक्ति, बीजेपी के पास नेतृत्व है, संगठन है, विचारधारा है। कांग्रेस का जो हाइव क्रिएट हुआ था, गुजरात के बाहर के बुद्धिजीवियों ने ये हाइव क्रिएट किया था, जो वोट देने वाले नहीं थे, जो ईवीएम को क्लिक कर रहे हैं वे बीजेपी के पक्ष में हैं। ईवीएम को क्लिक करने आने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ सूरत, एक महीने तक जीएसटी लागू होने के बाद हमने देखा थमा था, उसके बावजूद भी दक्षिण गुजरात में शानदार प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। जो आप शानदार बात कर रही है वो सिर्फ एक और एक ही बात है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी चुनौती नहीं बन पाए मोदी के लिए। ये अगर आंकड़े ये हैं और जब जिस दिन बक्से खुलेंगे और यही आंकड़े आएंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि नाराज तो है, लेकिन जैसे मोदी ने वोटरों को कहा कि घर की बात है हम निपटा लेंगे, तो अगर सामने आए कांग्रेस को वो अल्टरनेटिव नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी ने चौंकाने वाला कहा था, चौंकाने वाला उनके पार्टी के भीतर होगा, वो मोदी के खिलाफ कूच चाहते थे, मुझे लगता है कांग्रेस में ही कू होने वाला है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, देखिए एबीपी न्यूज सीएसडीएस एग्जिट पोल में पहले दौर के जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने दिखाए हैं, 182 में से 89 के आंकड़े हम दिखा चुके हैं। बीजेपी यहां पर 58, कांग्रेस पार्टी 30 पर, यानी कि सीधे सीधे पहले राउंड में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त यहां पर मिलती हुई कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिखाई दे रही है। विजय, ये संकेत क्या है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो दावा कर रही थी, हालांकि 150 अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन सरकार तो कम से कम इन दो को अगर आगे बढ़ते हुए हम देखें ट्रेंड यही कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि 105, 108 के आसपास हो सकता है बीजेपी पहुंच जाए। अभी 4-5 सीटें उन्होंने लूज की हैं, अगर सेकंड फेज में भी यही ट्रेंड रहता है 4-5 सीटें लूज करने का, तो 115 में से 10 गई तो 105 के आसपास मुझे लगता है। आपको भी लग रहा है ऐसा ही होगा? नहीं, जमीन पे थोड़ा सा पाटीदार समाज की नाराजगी दिख रही थी, बेरोजगारी दिख रहा था मुद्दा, एग्रीकल्चर क्राइसिस दिख रहा था। अगर ये ट्रेंड है तो ये माना जाएगा कि जो एंटी पाटीदार जो जातियाँ हैं वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद हुई हैं, और बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी काम आया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट पिछले 2 महीने से लगातार वहीं पड़े हैं, सरकार के 50-60 मंत्री वहीं कैंप किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं अगर ये ट्रेंड है तो। बिल्कुल, पूरे लाभ लश्कर के साथ जिस तरह से बीजेपी मैदान में उतरी थी ऐसा लग रहा है उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी मैजिक एक बार फिर से काम करता हुआ। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं, कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी बेहद दूर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह कि उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के आंकड़े भी क्या यही कहेंगे?
नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक राउंड वन एंड राउंड टू यानी कि सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात में बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ती हुई कुल 58 सीटें पा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में क्या होगा, आप रहिए तैयार। लेकिन एबीपी न्यूज ने अपना सर्वे दिया आपको और उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। वो कह रहे हैं कि सर्वे में बीजेपी जीत रही है, नकारात्मक राजनीति को ठुकरा दिया है जनता ने। सुनिए विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं। अभी बहुत सारी चैनलों ने सर्वे भी प्रकाशित किया है और सभी सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ये बात स्पष्ट तौर पर आज दिखाई दे रही है। गुजरात की जनता हमेशा देश को दिशा दर्शन दिया है, मूल्यनिष्ठ राजनीति को ही पसंद किया है। कभी भी सड़क साफ राजनीति उन्होंने स्वीकारा नहीं है। नकारात्मक, झूठ और वोट बैंक की राजनीति, परिवारवाद, इस सबको नकारा है मोदी। सर्वे में बीजेपी जीत रही है, वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकारा। विजय रूपाणी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, आपको बता दें दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र कच्छ दोनों जगह बीजेपी राउंड वन राउंड टू में आगे। और अब हम बात करेंगे उत्तर गुजरात की, फिर मध्य गुजरात की। आपको सीधे इलेक्शन वॉर रूम लेकर चलते हैं चित्रा के पास। बिल्कुल नेहा, वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है जब हम बात करेंगे उत्तर गुजरात की, मध्य गुजरात की, और उसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि विजय रूपाणी जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में है कितना दम। लेकिन अभी तक सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात के जो आंकड़े हमने रखे हैं अपने दर्शकों के सामने, वो यही दर्शा रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। और ये देखिए, इस वक्त हम इलेक्शन वॉर रूम से स्टूडियो का रुख कर रहे हैं और वहां पर आपको जानकारी देंगे उत्तर गुजरात के आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात के आंकड़ों ने आखिर क्या कहानी गुजरात की पेश की है। ये देखिए, ये सामने है सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों का ये एग्जिट पोल जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी को 49% वोट शेयर 41% के साथ, 8% वोट शेयर के साथ पीछे कांग्रेस पार्टी, जबकि 10% अन्य के खाते में जाती हुई। सौराष्ट्र कच्छ में बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और सीटों के लिहाज से देखिए 31 से 37 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 16 से 22 सीटें और अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब इसका औसत निकालकर हम दिखा देते हैं, 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ के इन 54 सीटों में से पा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 19 और अन्य के खाते में 1। आपको बता दें कि 1 सीटों का नुकसान 2012 के मुकाबले सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को जरूर हो रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा आगे खड़ी है। और अब आगे बढ़ते हुए चले एक बार फिर से वॉर रूम का हम रुख कर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, डेटा एक्सपर्ट, जो लगातार ये बता रहे हैं कि आखिर ये आंकड़े आगे क्या बता रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दक्षिण गुजरात का आंकड़े, हालांकि आपके सामने हमने रख दिए थे, उत्तर गुजरात की हम बात करेंगे। उत्तर गुजरात के आंकड़े दोपहर 2 बजे तक के हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन दक्षिण गुजरात का आंकड़ा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और ये हम आगे हैं स्टूडियो में, ये हमारी लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका है, आंकड़े जल्दी आपके सामने होंगे। और ये आंकड़े देखिए, बीजेपी दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 52% वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी 12% के साथ नंबर टू बहुत ज्यादा पीछे खड़ी हुई है, जबकि अन्य 8% के साथ। और इसे अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो देखिए, बीजेपी 21 से 27, कांग्रेस पार्टी 9 से 13 और अन्य 1, यानी कि यहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसका औसत हम निकाल लें, औसत के लिहाज से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें, उससे बहुत कम, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के साथ नंबर टू, जबकि अन्य को एक भी सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों का यह एग्जिट पोल जो कहता है 35 में से 24 सीटें मिल रही हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं वॉर रूम का, और अब वॉर रूम के हमारे इस पिटारे से सामने आने वाला है उत्तर गुजरात का आंकड़ा। उत्तर गुजरात का आंकड़ा बहुत कुछ साफ कर देगा, उत्तर गुजरात का आंकड़ा बहुत कुछ साफ कर देगा कि अब की बार गुजरात में क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर थोड़ा अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन उत्तर गुजरात में कौन कौन से जिले हैं ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं नेहा का। 58 सीटें राउंड वन राउंड टू में मिल गई है, 34 सीटें क्या उत्तर गुजरात से बीजेपी को मिलेंगी। उत्तर गुजरात के जल्दी से जिले आपको दिखा दें, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, मध्य गुजरात के ये जिले हैं हम आपको बता दें। और उत्तर गुजरात के, माफ कीजिएगा, वहां मध्य गुजरात निकला है,
से हम जल्द ठीक करेंगे। और ये वो उत्तर गुजरात है जिस पर आज दूसरे चरण में चुनाव हुआ। फर्स्ट कट दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है बताएंगे आपको। मध्य गुजरात के जिले भी हम आपको दिखा देंगे जल्द। और ये बता दें कि अब 34 सीटों की दरकार यहां से है। तो क्या कह रहा है उत्तर और मध्य गुजरात की तस्वीर, सीधे चलते हैं आपको लेकर इलेक्शन वॉर रूम। सरकार बनाने के लिए 92 सीटें चाहिए नेहा, अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतनी सीटें पा जाएगी बहुत जल्द। उत्तर गुजरात के आंकड़े क्या कहते हैं जल्दी से इलेक्शन वॉर रूम से हम चलते हैं स्टूडियो। राजीव करंदीकर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये आंकड़े किस तरह की तस्वीर रख रहे हैं गुजरात में। उत्तर गुजरात का आंकड़ा क्या कहता है क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ मध्य गुजरात में, मध्य गुजरात का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, दक्षिण गुजरात में बीजेपी बाजी मारती हुई। और ये देखिए आपके सामने उत्तर गुजरात की 53 सीटों का ये हाल, बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ नंबर वन। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पीछे है 42% के साथ, कांग्रेस पार्टी नंबर टू, जबकि अन्य 9% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर। 49% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर मिलती हुई और कांग्रेस पार्टी को 42% हुई। अब ये आंकड़ों में जब तब्दील होंगे सीटों के लिहाज से तो क्या कहेंगे राजीव जी, देखते हैं क्या आता है आंकड़ा, देखते हैं क्या आता है। चलिए अब जल्दी से वो सस्पेंस भी यहां पर हम खत्म कर देते हैं और आपको दिखाते हैं वोट शेयर जब आंकड़ों में बदलता है तो वो क्या कहता है सीटों के लिहाज से। दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा है, चूंकि आज ही इन इलाकों में हुआ है मतदान, दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और फाइनल आंकड़ा एबीपी न्यूज आपके सामने रखेगा आज रात 8 बजे। 2 बजे तक की तस्वीर आपके सामने है सीटों के लिहाज से। बीजेपी 32 से 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुत ज्यादा पीछे खड़ी हुई 16 से 22 सीटें। यहां पर कांग्रेस अच्छा कमाल नहीं कर पाई जिसका दावा बार बार राहुल गांधी की ओर से उत्तर गुजरात में जाकर किया जा रहा था और बीजेपी बाजी मारती हुई नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे काफी ज्यादा आगे खड़ी है। एक बार फिर से आपको बता दें दोपहर 2 बजे तक का यह आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे आज रात 8 बजे। और ये औसत के लिहाज से उत्तर गुजरात की 53 सीटों में औसत के लिहाज से बीजेपी 35 सीटों के साथ बहुत आगे खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर गुजरात में मिल रही है 18 सीटें और इस तरह से देखें तो उत्तर गुजरात में भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके मायने क्या हैं, इसके मायने भी जल्दी से हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले राजीव जी आपसे मैं समझना चाहूंगी उत्तर गुजरात में भी कोई कमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। जी हाँ, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में मतलब वोटों का अंतर यहां कम है कच्छ और दक्षिण से, 7 ही है वहां पर 8 और 12 था, पर फिर भी आगे तो बीजेपी ही है और सीटों के लिहाज से तो बड़ा फर्क है 35 और 18। जी हाँ, ये वोट से सीट किस तरह तब्दील होती है इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो उनके जो वोट्स हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें राजीव जी की ओर से यहां पर कही गई हैं, यानी कि उत्तर गुजरात का आंकड़ा भी वही कह रहा है जो सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात के आंकड़े कह रहे हैं नेहा। उत्तर गुजरात में भी बीजेपी भारी बढ़त के साथ 35 सीटों के साथ नंबर वन। नेहा, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर गुजरात में भी बीजेपी को बढ़त, यानी राउंड 3 भी बीजेपी के खाते में जा रहा है। संजय कुमार जी डायरेक्टर CSDS के हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, उत्तर गुजरात में भी बीजेपी आगे, 49% वोट शेयर, 35 सीटें। देखिए, अब ये 3 क्षेत्रों का आंकड़ा हमने देखा, शायद दक्षिण गुजरात का, उत्तर गुजरात का और सौराष्ट्र का, और अभी एक और क्षेत्र बाकी है, लेकिन मुझे लगने लगा है कि इन 3 क्षेत्रों को देख के एक बिल्कुल हवा सी बन गई है बीजेपी के पक्ष में। तीनों क्षेत्र में लगभग 7-8% का वोटों का फासला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बिल्कुल लगता है जैसे पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि हमने एक लास्ट पोल किया था 30 नवंबर के आसपास, तब तो बड़ा कांटा का मुकाबला दिख रहा था, लेकिन इस पोल के हिसाब से जो एग्जिट पोल पोस्ट पोल का मिक्स है, इसके हिसाब से काफी बड़ा फासला दिखाई पड़ रहा है। सवाल है आपका, ये आपका ये इसका फैक्टर क्या है? आप बता रहे थे कि 43-44% वोट परसेंटेज है, यहाँ हर रीजन में 7-8-10% का डिफरेंस आ रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, हम बार बार कहते हैं पोल को कैसे समझना चाहिए, देखना चाहिए। 30 नवंबर की जो स्थिति थी वो 30 नवंबर में जो स्थिति थी वो बता रहा था। निश्चित रूप से 30 नवंबर और आज 14 तारीख है, 2 सप्ताह का वक्त था, इस बीच में बहुत कुछ हुआ, 2 सप्ताह में बहुत एग्रेसिव कैंपेन हुआ, और अभी इनिशियल तौर पर तो यही लगता है कि ये जितना एग्रेसिव कैंपेन किया गया, और आपने देखा होगा पिछले 7 दिनों में कम से कम ऐसा महसूस हुआ कैंपेन के दौरान कि कांग्रेस पहली बार बैकफुट पे गई पूरे कैंपेन के दौरान। किस वजह से ये जो नीच शब्द का इस्तेमाल हुआ, कई मामला पाकिस्तान गया, क्या इसने डिस्कोर्स बदल दिया प्रधानमंत्री मोदी के? इसने
क्योंकि कई चीजें हुई जिसमें सब हाँ। हर बार ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही थी। ये जरूर है कांग्रेस कह रही थी कि इसमें ये इसमें सच्चाई नहीं है। हर बार कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही थी। इसके पहले राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे और बीजेपी उसका जवाब नहीं दे रही थी, और इसी के लिए इनिशियल स्टेजेस में कांग्रेस ने बढ़त बनाई और बाद में मुझे लगता है ये बढ़त उन्होंने गंवा। चलिए तो एक बड़ा सवाल अपने सभी पैनलिस्ट से, बहुत छोटा जवाब, आप तो उत्तर गुजरात के एक्सपर्ट है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन ने दिशा बदल दी, बीजेपी के पक्ष में हवा कर दी? जी बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर यही रिजल्ट यही नतीजे अगर आ रहे हैं तो वो तो बहुत ही क्लियर है कि इन्होंने दिशा बदली है, और उसका खास कारण ये है कि उन्होंने ये बता दिया कि देखिए मैं अपना खुद का गुजरात का बेटा हूँ और बाहर वाले आकर के अपने प्रॉब्लम्स की बात करें। अपने लोगों ने हाथों हाथ प्रधानमंत्री मोदी को लिया, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद डिस्कोर्स बदला, नीच के बाद किस तरह की राजनीति हुई, जरा जल्दी से आपको वो तीन बयान प्रधानमंत्री मोदी के हम दिखाते हैं। श्रीमान मणिशंकर अय्यर, एमणे कहो आ मोदी तो नीच जाति नो छे, आ मोदी तो नीच छे। भाइयों बहनों, आपमान गुजरात नु छे कि नहीं? आपमान गुजरात नु छे कि नहीं? आपमान भारत की महान परंपरा नु छे कि नहीं? तो सवाल यह है कि क्या नीचकांड ने पूरी की पूरी जो राजनीति का डिस्कोर्स था गुजरात का वो बदल कर रख दिया? हमारे साथ दो खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए। शकील अहमद साहब, एबीपी न्यूज सीएसडीएस का पोल पहले तीन राउंड में उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में क्लियर कट बीजेपी को बहुत बढ़त दिखा रहा है। मेरा सवाल यह है आपसे, तीन रीजन में आप लोग नहीं है पास, बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, मणिशंकर अय्यर के बयान ने क्या कांग्रेस के हाथ में आती हुई जीत छीन ली, बाजी पलट गई? नहीं, देखिए एक तो पहले ही स्पष्ट कर दूं कि एग्जिट पोल पर या ओपिनियन पोल पहले भी हुआ है, ये एग्जिट पोल है आपका, हम लोगों को पहले भी हमने कहा और कई बार लगातार एग्जिट पोल गलत हुआ है। अभी पिछले दिनों जो यूपी के रिजल्ट निकले उसमें किसी एग्जिट पोल में नहीं रहा कि बीजेपी को अपने बलबूते पर 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तो हमको इस पर विश्वास नहीं है जो हम लोगों का फीडबैक है। मगर जहां तक मणिशंकर अय्यर जी के बयान की बात है, उनके खिलाफ पार्टी ने उनसे किनारा किया, पार्टी ने उनको सस्पेंड किया, पार्टी ने उनसे कहा कि आपने ऐसा कहा है, गर्चे उन्होंने जात का नाम नहीं लिया था, एक व्यक्ति की बात की थी लेकिन उसको ट्विस्ट करके जात का बनाया गया। का मणिशंकर अय्यर के खुद को बयान से खुद को अलग करना काम नहीं आया? शकील अहमद साहब कह रहे हैं हम नहीं मानते आपका एग्जिट पोल, प्रधानमंत्री थे उनको, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, वो कह सकते हैं हम नहीं मानते। मेरा सवाल यह है, नीच कांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन में जैसे इस मुद्दे को उठाया, क्या उसने बीजेपी के पक्ष में बाजी कर दी आप लोगों के लिए? सुधांशु जी, नेहा जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपके चैनल के पिछले सर्वे में भाजपा और कांग्रेस को बराबर बराबर की स्थिति में दिखाया गया था, तब भी हमने अविश्वास नहीं किया था। हमने ये कहा था कि आपके चैनल के आंकड़े जो हैं वो उस समय के सर्वेक्षण के हैं जब तक भाजपा ने अपना प्रचार पूरी जोरों पर नहीं शुरू किया था, कांग्रेस पूरा प्रचार वेग पर कर चुकी थी, प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियां नहीं शुरू की थी, और हमें पूर्ण विश्वास था कि जब भाजपा अपना कैंपेन पूरा चलाएगी, प्रधानमंत्री जी वहां पर जाएंगे, वातावरण में बदलाव दिखेगा, और वो अब आपके इस सर्वेक्षण में दिख रहा है। हाँ, जो आपकी बात थी, प्रधानमंत्री ने अय्यर का बयान, जो बात सुधांशु कह रहे हैं, उन्होंने इमोशनल अपील की, कपिल सिब्बल का, उन्होंने मणिशंकर अय्यर के अपमान को गुजरात के अपमान से जोड़ा, आपको नहीं लगता उस फैक्टर ने काम किया जिस तरह से तीन राउंड्स में बीजेपी आगे निकल रही है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि गुजरात के लोग इतने अपरिपक्व हैं कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कही गई बात को उसको जात से जोड़ने वाले, और गुजरात के लोग तो प्रधानमंत्री को और नजदीक से जानते हैं कि कैसे वो ट्विस्ट करते हैं, कैसे उन्होंने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी, हामिद अंसारी साहब, पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर साहब, इतने बड़े मशहूर पत्रकार प्रेम शंकर झा,
राहुल खुशवंत सिंह या डिप्लोमेट साबरवाल या चिन्मय गरेखा, ये सब पाकिस्तान के साथ बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सवाल है यहाँ पर। दिबांग का भी आपसे एक सवाल है, लेकिन एक मिनट, जो पॉलिटिकल कैंपेन चला उसमें एक और जरा हम बयान सुन लेते हैं, फिर मैं आप दोनों मेहमानों के पास आती हूँ, एक और बयान पर जरा नजर डालते हैं। पाकिस्तान ना लोगों जो है बैठी ने चर्चा करे थे कि हमें मोदी आई गया थे, जहां सुधी मोदी ने रस्ता माथी नहीं हटावो भारत ने पाकिस्तान ना संबंधो नहीं सुधरे। तमे मने कहो भाई, आप पाकिस्तान में जईने मोदी ने रस्ता माथी हटावो, आप बात करना मैं संग्रहिया कई वर्ष की बात है, आप कांग्रेस पार्टी आपकी बात में दवाई ले बैठी के नहीं, मारे जरा नफूस खुश है भाई। मैंने कहो कोई ने रस्ता माफी हटाना मतलब सुन भाई, रस्ता माफी हटाना मतलब सुन है भाई, अरे आपका पाकिस्तान में इंटर छोपड़ी अपा गया था, मैंने मोदी ने छोपड़ी अपा गया। तो ये आपने सुना, ये पाकिस्तान इसमें आया, इसमें नीचकांड आया, तमाम तरह की बातें आई और इस सब ने बाजी पलट दी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, उनके पक्ष में कर दिया। दिबांग, बिल्कुल उनके पक्ष में कर दिया, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद इतने अनुभवी हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता मणिशंकर अय्यर ने, तो इतनी बुरी तरीके से राहुल गांधी ने उनको पार्टी से बाहर नहीं हटाया होता, फेंका होता। आपने, आपको जो मौका था आपने उसको गंवा दिया, अब उसको बोलने में अपना संकोच क्या है? आंकड़ों से मत लड़िए शकील जी, आंकड़ों से कभी नहीं लड़ा जाता। शकील साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, दीवान बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के बारे में अपनी राय पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये सही है, मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी ने हमारे तो हटा दिया, अलग कर दिया उनको, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं, ये इस देश की जनता जानती है। आप आंकड़े को मानने को तैयार नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको शकील साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, उत्तर गुजरात में जो हम फिगर दे रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 35 और कांग्रेस को 18 और अन्य के खाते में 0, यानी जिग्नेश मेवाणी जो निर्दलीय लड़े हैं वो भी चुनाव हार रहे हैं वहां से, आपने जिन लड़कों पे दाव लगाया था उनमें से एक लड़का तो निपट रहा है। देखिए, जिग्नेश मेवाणी जी के बारे में चुनाव के बीच में भी कुछ बातें आई थी और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही थी, लेकिन हम व्यक्ति एक व्यक्तिगत एक सीट पे बात नहीं करेंगे, और एग्जिट पोल के बारे में पहले भी मैंने कहा कि मुझको विश्वास नहीं है, लेकिन उत्तर गुजरात के जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उत्तर गुजरात में ये स्थिति नहीं होगी, रिजल्ट आने दीजिए, स्थिति अच्छी होगी। छोटा सा रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है गुजरात में ऐसे नतीजे उत्तर गुजरात से नहीं आएंगे, निश्चित रूप से इससे अच्छी बात होगी। अच्छा शकील जी, ये भी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे उत्तर गुजरात में हम बीजेपी को पछाड़ देंगे, लेकिन जो हम दे रहे हैं 18 औसत सीटें कांग्रेस को, इससे बेहतर होगा। अब बताइए इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप सुधांशु जी, जल्दी से। देखिए, हम भी यह बात कहना चाहते हैं कि जो रिजल्ट आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो एक ट्रेंड दिखाते हैं, संख्यात्मक आधार पर हम भी सहमत नहीं है, हमारा मानना है कि हम इससे बहुत ज्यादा सीटें पाएंगे। हाँ, विजय विद्रोही जी ने जो अभी बात कही कि उसके अनुसार, आपके सर्वेक्षण के अनुसार जिग्नेश मेवाणी जी निपट रहे हैं, जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया, मैं कहूंगा देखिए समस्या क्या है कि राहुल गांधी ने जिस जिस युवा का साथ दिया है वो सब निपट गए, इससे पहले अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए उत्तर प्रदेश, वो निपट गए, उससे पहले कश्मीर में खड़े हो गए उमर अब्दुल्ला के साथ, वो निपट गए, अब इन तीन युवाओं के साथ क्या होगा ये शायद चुनाव परिणाम जब आएगा तो जनता को और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बाजी पलट दी ना। राजकिशोर जी, क्या इसे मानने में कांग्रेस को गुरेज होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और पूरी इक्वेशन गुजरात की बदल गई, कम से कम 3 राउंड यही बता रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गुजराती अस्मिता और गुजरात के बेटे का होने का अपना कार्ड खेला और नीच पाकिस्तान जो बयान जिन पर कांग्रेस बहुत प्रतिक्रिया कर रही थी वो उनके पक्ष में जाते दिखे। लेकिन मेरा एक सवाल शकील अहमद जी से है कि ऐसे समय पर जब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी कमान संभालने जा रहे हैं, उससे पहले ये नतीजे उनकी भविष्य की राह को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? क्या कहीं फिर से उनकी नई जिम्मेदारी संभालते ही कोई बदलाव के सुर तो नहीं उठेंगे? शकील जी,
नहीं देखिए, ये रिजल्ट का डेट मालूम था, इलेक्शन का डेट मालूम था, और ये भी डेट उसको जानबूझ के तय किया गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव में, एक पॉलिटिकल पार्टी के इसमें चुनाव जीतते भी हैं हम, हारते भी चुनाव है। तब तो जैसे ही हम पंजाब जीते थे या बिहार में अच्छा रिजल्ट हुआ था या गोवा में हमने बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीती थी, उस वक्त राहुल जी को हो जाना चाहिए। ऐसा ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और चैलेंजेस से आदमी और उभर के नेतृत्व शकील जी आता है। 18 दिसंबर की तस्वीर का हम सबको इंतजार रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड तो दिखाता है। मैं एक आंकड़ा और आपके सामने रखती हूँ, देखती हूँ इसको किस तरह चुनौती देते हैं। एक और बड़ा आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख दे। पहले राउंड में कांग्रेस को 8 सीट का फायदा हो रहा है, यानी कि सौराष्ट्र कच्छ में 8 सीट का फायदा पहले राउंड में। 2012 में आपको बता दें सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात को मिलाकर 22 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस को पहले राउंड में 30 सीटें मिल रही है, 8 सीटों का फायदा हो रहा है। लेकिन यहां से गेम बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरे राउंड में जहां उत्तर गुजरात वोटिंग के लिए गया, वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां थी वो परवान पर चढ़ी। इसीलिए इस सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली ने चमत्कार किया? 21 से 18 सीटें अगर हो रही हैं, तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कैंपेन को आगे बढ़ाया, क्या उससे कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर थी वो लगातार खराब होती गई? मेरे साथ दर्शन देसाई जी मौजूद हैं। ये अनुमान लगाना क्या सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब एंट्री ली और उसके बाद नीच कांड, पाकिस्तान, सब कहते रहे भाई विकास कहां गया, लेकिन ऐसा लगता है ये तमाम चीजें पीएम ने जिस तरह से उठाई गुजरात की जनता के साथ वो रह गई, मन में बैठ गई? हाँ बिल्कुल, मन में रह गई। उन्होंने सन ऑफ द सॉइल वाला जो खास मुद्दा उठाया, और वो भी उत्तर गुजरात में जा करके, आप वो कहा कि भाई मैं उत्तर गुजरात का बेटा हूँ, गुजरात का बेटा हूँ, और गुजरात के बेटे का इस तरह से अपमान होगा, वो किस तरह से चलेगा, वो सबसे ज्यादा चला। तो विकास तो ठीक है, लेकिन बेटे की जब उन्होंने बात कही तो ये इमोशनल कनेक्ट बैठ गया गुजरात की जनता के साथ? वैसे भी गुजराती लोग, हम लोग वैसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं किसी भी घटना के साथ, तो इसी में यही पुनरावर्तन हम देख रहे हैं मोदी जी के साथ। क्योंकि पहले भी जब हारने वाली बात हो रही थी तभी भी ये हमको लग रहा था कि मोदी जी को अकेले गिरा दिए हैं, अकेले पार दिए हैं, तो इसी वजह ऐसा होता लग नहीं रहा। मतलब कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया नीच कांड और पाकिस्तान की तरफ जो पूरी परिस्थिति गई, पीएम ने घुमा दिया अपने पक्ष में। जी नेहा, देखिए यहाँ समस्या ये कांग्रेस के पास है कि उनके नरेंद्र मोदी के बराबर के कद का लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी देखिए इस चुनाव में कांग्रेस उनकी काट नहीं कर पाई, और जो गुजरात में वोटर्स ने वोट दिया है वो नरेंद्र मोदी को वोट दिया, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन चलिए, बहुत सारे लोगों को बहुत बातें कहनी है, लेकिन अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं। हम आपको बता दें 6:30 बजे हम आपको मध्य गुजरात का भी आंकड़ा देंगे, और फिर एक बड़ी तस्वीर कम से कम उत्तर और मध्य गुजरात की आप फर्स्ट कट के आधार पर देखेंगे। दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात का फाइनल एग्जिट पोल का आंकड़ा हम आपके सामने रख चुके हैं। 5 मिनट बाद फाइनल आंकड़ा, सबसे बड़ा पैनल, इलेक्शन वॉर रूम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।